बाबा देखे में भी छुआ पे याद करती और एडवर्ड में भी पीपीटी में भी छुआ पे याद करती, लेकिन जो बीके में छुआ पे याद करते वो किसी देवर के तन में ही करते, देवर के तन में किधर करते, उनका पाप कैसे बचते होंगे। बीके वाले कौन से देहधारी के तन में याद करते, ब्रह्मा है कहाँ? निरंकार को देखते फिर अभी ब्रह्मा कहाँ है, कहाँ चले गए? तो मुरली में तो बोला है सूक्ष्म बतनवासी, ब्रह्मा में मैं आता ही नहीं हूँ है। तो भक्ति मार्ग में जैसे पहाड़ों पे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियां रखी हुई हैं, उन मूर्तियों में भगवान को याद करते हैं, ऐसे ही यहाँ भक्ति मार्ग की शूटिंग करते हैं, ट्रांसलाइट का चित्र ब्रह्मा का रखा हुआ है, उसमें शिव को याद करते हैं। ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिकल चाहिए या जड़ मूर्ति चाहिए? तो मुरली में तो यही बताया है। ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में क्या अंतर है? क्या समझ? आत्मा और कर्म। भक्ति मार्ग में सब होता है इमिटेशन, सच्चाई कुछ भी नहीं होती है, चित्रों में मूर्तियों में याद करते रहते हैं, वो तो जड़ मूर्तियां हैं। यहाँ तो ज्ञान मार्ग में भगवान प्रैक्टिकल रूप में आता है, चैतन्य में, चैतन्य में आकर के पार्ट बजाता है। ज्ञान मार्ग में होता है प्रैक्टिकल, भक्ति मार्ग में तो सब इम्प्रैक्टिकल। और कृष्ण के पाँव में आड़ी की है, कृष्ण के पाँव में आड़ी की, आड़ी पाँव में, विष्णु के पाँव में आड़ी क्या होता है? टेढ़ा। विष्णु का पाँव टेढ़ा नहीं, कृष्ण के पाँव टेढ़े दिखाते हैं, वो सतयुगी कृष्ण की बात नहीं है, वो संगमयुगी कृष्ण की बात है, जिसको मोर पंख दिखाया जाता है। मोर भी अपनी पूंछ को अपने शरीर को देखता है तो बहुत खुश होता है, लेकिन पांव को देखता है तो दुखी हो जाता है। पांव की चाल टेढ़ी है, इसलिए काले कृष्ण का गायन है, गोरे कृष्ण का गायन नहीं है, उसे टेढ़ी चाल के रहस्य को सब कोई समझ नहीं सकते, इसलिए उनका नाम ही रखा हुआ है त्रिभंगी लाल। तीन जगह से टेढ़े हैं, और बाबा सोने पे सुहागा का मतलब सुनार लोग जब सोने को शुद्ध करते हैं तो सुहागा का प्रयोग करते हैं। सुहागा डाले बगैर सोने की उतनी शुद्धता नहीं हो पाती, इसलिए कहा जाता है सोने में सुहागा। क्या बोल गया जल्दी जल्दी? देवी देवता
सनातन धर्म किसने किसने तैयार किया, किसने बताया? बौद्ध धर्म बुद्ध ने तैयार किया, क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने तैयार किया, मुस्लिम धर्म मोहम्मद ने तैयार किया। तो सनातन धर्म तैयार करने वाला भी कोई सनत शब्द से ही होगा। ब्रह्मा का जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है सनत कुमार। उस बड़े पुत्र के द्वारा सनातन धर्म की स्थापना हुई। वो योगीश्वर कहा जाता है। वो कोई दूसरा नहीं है, चार धर्मों का पहला बीज है जो सनातन धर्म की स्थापना में विशेष सहयोगी बनता है। इसलिए उसके नाम पर देवी देवता सनातन धर्म कहा जाता है। और दुबई में मंदिर बनाया है हमारे भगवान दुर्गा का और शंकर जी का है। दुबई में शंकर जी का मंदिर है मगर वो ऊपर है यानी जमीन पे नहीं है। वो कहते हैं कि हम आपके भगवान हमारे जमीन को टच नहीं होना चाहिए। भगवान का मंदिर है वो जमीन से ऊपर है यानी ऊपर बनाया हुआ है आकाश में। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसा ऐसा ऊपर जमीन नहीं है ऊपर है। फर्स्ट फ्लोर में नहीं है, है? फर्स्ट फ्लोर में है लेकिन जमीन पे नहीं टच करना है। आपका भगवान हमारे जमीन को नहीं टच करना है। जमीन पे आधार नहीं है, टच नहीं करना है। मूर्ति है वो लोग बोलते हैं कि जमीन में टच नहीं करना चाहिए। आपका भगवान हमारे जमीन में टच नहीं होना चाहिए इसलिए ऐसा बनाया है। वो क्या बड़ी बात, नीचे ऊपर चुंबक लगा दी होगी तो लटका होगा ऐसे। जैसे सोमनाथ के मंदिर में नीचे ऊपर आजू बाजू चारों ओर चुंबक लगी हुई थी और शिवलिंग लटका हुआ था। और मगर हम तो उनके यहाँ मस्जिद वजीद सब भारत में सब बनाने देते हैं। हम तो उनकी मस्जिद बनाने देते हैं, सब कुछ करते। हमारे भगवान के लिए उन लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये तो माता का देश है ना, सब धर्मों की माता कहाँ है? ये तो मातृ देश है, सब धर्मों की माता यहाँ है। वो तो सिर्फ है धर्म पिता को मानते हैं। माता की मान्यता नहीं है वहाँ। तो हम तो धरणी को मानते हैं। रामकृष्ण अवतार धरणी का आधार लेते हैं। जो कच्छ मच्छ जानवरों के अवतार हैं वो ज्ञान का आधार लेते हैं। उनमें अहंकार रहता है ज्ञान का, जबकि ज्ञान के नाम पर अज्ञान ही सुनाते हैं। अज्ञान अंधकार में दुनिया को डुबोते जाते हैं। हमारे भारत में तो माता को मान दिया है भगवान ने। माता जब ज्ञान सुनाती है, ज्ञान बांटने के निमित्त बनती है तो सारी दुनिया का कल्याण हो जाता है। जो मरने वाले मनुष्य हैं वो अमर बन जाते हैं। और Thank you.
वहाँ भोजन नहीं मिलेगा तो देवता पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बहुत विचार सागर मंथन है जिनको, उनको देवता पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है बहुत विचार सागर मंथन करने के लिए। हाँ तो ब्रह्मा भोजन मतलब तो वैष्णवी शक्ति आने है? वैष्णवी शक्ति आने के बाद की बात है कि पास्ट की बात है, अभी ब्रह्मा नहीं है। अरे ब्रह्मा अभी है या नहीं है? तो ब्रह्मा है तो ब्रह्मा भोजन भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? ब्रह्मा है तो ब्रह्मा भोजन भी है, और ब्रह्मा नहीं तो ब्रह्मा भोजन भी नहीं, क्योंकि ब्राह्मण ही नहीं। उन ब्राह्मणों से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, मुरली में बोला, उन ब्राह्मणों से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है तो कहेंगे सूक्ष्म वतन में। तो तुम यहाँ कहाँ से आ गए? ब्रह्मा यहाँ है तो ब्राह्मण भी यहाँ है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ होने चाहिए, तो जहाँ ब्राह्मण होंगे ब्रह्मा होगा, वहां ब्रह्मा भोजन भी होगा। दुनियावी धंधे से कमाया हुआ भोजन होगा या ईश्वरीय धंधे का भोजन होगा? शुद्ध ईश्वरीय धंधे का भोजन होगा। उसको कहेंगे ब्रह्मा भोजन, क्योंकि दुनिया में सब धंधे नुकसान होने वाले हैं और होते भी जा रहे हैं। इसलिए जिनको ब्रह्मा भोजन नहीं मिलेगा, दो ही चीजें मुख्य हैं, संघ का रंग लगता है और दूसरा जैसा अन्न वैसा मन बनता है। जो शुद्ध ईश्वरीय कमाई का अन्न खाएंगे तो उनका मन भी शुद्ध बनेगा। बाकी तो दुनिया में सब है डॉगली कमाई, गॉडली कमाई तो सिर्फ एक ईश्वर ही सिखाते हैं। इसलिए बोला जिनको ब्रह्मा भोजन नसीब नहीं है वो स्वर्ग में जाए भी नहीं सकेंगे। बाबा, जिनको देहाभिमान का सत्य छिलका जड़ा हुआ है उनके लिए विशेष पूछ सकते हैं? देहाभिमान का जिनको सत्य छिलका जड़ा हुआ है विशेष पूछ सकते हैं? उनको सख्त आत्मा की याद में रहना चाहिए, शक्ति से आत्मा की याद में रहेंगे तो कितना भी सख्त छिलका चढ़ा हुआ होगा वो उतर जाएगा। है आत्मा के स्वरूप में टिक नहीं पाते। क्यों नहीं टिक पाते? क्योंकि अन्न दोष और संग दोष लगाते होंगे। अन्न दोष से बचेंगे, संग दोष से बचेंगे तो संग का रंग लगेगा, मन शुद्ध बनेगा तो आत्म की स्थिति में टिकेगा। तो क्या करना चाहिए है? दुनियावी संग छोड़ देना है और ईश्वरीय संग जीवन में ग्रहण कर लेना है। दुनियावी अन्न छोड़ देना है, दुनियावी तरीकों से कमाया हुआ, और ईश्वरीय अन्न ग्रहण करना है। खिचड़ी मिलेगी। और तुम्हारे में जो बाबा ने कहा कि तुम्हारे में संस्कार है,
ब्रह्मा को भोग लगाने हैं, तुम्हारे में संस्कार है ब्रह्मा को भोग लगाने। हाँ हाँ हाँ, और तुम खुद भी खाओगे और उनको भी खिलाओगे। हाँ तो विदेशों में संस्कार नहीं है, विदेशों में हाँ? विदेशों में कहा कि संस्कार नहीं ब्रह्मा को भोग लगाने का। हाँ इसका क्या अर्थ है? विदेशों में ब्रह्मा होता है क्या है? भगवान कहाँ आते हैं? भारत देश में आते हैं या विदेशों में आते हैं? तो भारत देश में ही ब्रह्मा होता है। हैं? ये बेहद की तो बात हो रही है। ब्रह्मा कोई हद की दुनिया में होता है क्या? हाँ तो खाते हो औरों को भी खिलाते हो। दूसरे धर्म वाली आत्माएं जो आती हैं, उनको तुम ब्रह्मा भोजन नहीं खिलावेंगे? भारत में आते हैं विदेशी तो उनको ब्रह्मा भोजन खिलाते नहीं हो? हैं? तो वो ही तो आवेंगे यहाँ जो ब्रह्मा को मानेंगे। जो ब्रह्मा को मानते ही नहीं है वो यहाँ क्यों आवेंगे? और बाबा बाबा वो भारतीय जो भारतीय लोग भारत वर्ष में जो लोग हैं बहुत ज्ञानी और मतलब इंटेलिजेंट किस्म के हैं, लेकिन विदेशी लोग टेक्नोलॉजी में आगे क्यों बढ़ जाते हैं? टेक्नोलॉजी का जो आधार है वो 5 तत्व हैं और भारतीयों का आधार 5 तत्व नहीं है, उनका नाम ही है भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगे रहने वाले। वो ज्ञान की रोशनी में लगे रहने वाले हैं, जो 5 जड़ तत्वों में मनन चिंतन मंथन लगाते हैं बुद्धि का, वो खुद का भी विनाश करते हैं और सारी दुनिया का विनाश करते हैं। जो ज्ञान में बुद्धि लगाते हैं वो खुद का भी उद्धार करते हैं और सारी दुनिया का उद्धार करते हैं। और ब्रह्मा का दिन बोलते हैं, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा का रात बोलते हैं, क्यों ऐसा होता है? ब्रह्मा का दिन बोलते हैं और ब्रह्मा का रात बोलते हैं। जहाँ ब्रह्मा होगा तो ब्रह्मा का दिन भी होगा, ब्रह्मा नहीं होगा तो ब्रह्मा का दिन भी नहीं होगा, ब्रह्मा की रात भी नहीं होगी। तो ब्रह्मा की आत्मा खास कौन सी आत्मा है जो ब्रह्मा की आत्मा कही जाती है? है? अरे ब्रह्मा माने क्या? बड़ी माँ का मुख्य गुण क्या? तो प्रजापिता में वो गुण है? ब्रह्मा ढेरों के नाम होते हैं, कम से कम 5 नाम है ब्रह्मा के। पंचानन चतुरानन गाया हुआ है, परंतु असली ब्रह्मा कौन जिसने सहनशीलता का आगार बन करके दिखाया, जिससे पहले पहले ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, वो कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा। आया समझ में? बाबा अभी बच्चे कोई इंजीनियर होते कोई डॉक्टर होते है? कोई इंजीनियर होते कोई डॉक्टर होते बच्चे, तो उसकी कमाई नहीं खा। सब धंधों में है नुकसान, कब तक खाओगी कमाई?
उनकी डॉक्टरी भी खत्म हो जाएगी, उनकी इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगी, तब क्या खाओगी? है? है? मेरा बच्चा भगवान का भी बाप। बहुत नशा चढ़ा हुआ मेरे बच्चे का, भगवान सिर्फ मुंह से कहने के लिए भगवान आया हुआ है, दूसरों को सुना दो भगवान आया हुआ है, वो हमारा बाप है। अंदर से निश्चय किसके ऊपर बैठा हुआ है, बच्चे के ऊपर या भगवान बाप के ऊपर? किसके ऊपर निश्चय बैठा है? क्या घर में रहते हैं? बच्चे के साथ हैं, तो निश्चय होगा तो साथ हैं। निश्चय हो कि भगवान आया हुआ है तो भगवान के साथ देगा कोई, या धोखेबाजों का साथ देगा? है, भगवान का साथ देगा। अभी बात ही नहीं समझ में आ रही है कि सारी दुनिया धोखेबाज है, देखते भी हैं, माँ बाप को पूछते नहीं है, सारी प्रॉपर्टी लेकर के हजम कर जाएंगे, फिर निकाल के घर से बाहर कर देंगे, आंखों से भी देखते जा रहे हैं, तो भी मेरा बच्चा ऐसा नहीं करेगा। बाबा मुझे बोला है ब्रह्मा की मत भी मशहूर है भी क्यों लगाया? भी का क्या मतलब है? हाँ, बाप की भी मशहूर है, बाप है मुख्य, फिर है ब्रह्मा। अब ब्रह्मा होगा तो ब्रह्मा की मत होगी? अरे तो होगा ना, होना चाहिए ना प्रैक्टिकल में। तुम्हें कौन सा ब्रह्मा मिला है चार में से? अरे तुम्हें कोई मिला है कि नहीं? हाँ, तो तुम्हें जो मिला है उससे काम है, या जो मिला ही नहीं है उससे काम है? और है हाँ जी, महारानी लक्ष्मीबाई कहती है कि गंगाधर और महाराज ने मुझे अभी तक पहचाना नहीं है। मुझे अभी तक पहचाना नहीं है। किसने? गंगाधर राव ने किसको नहीं पहचाना? महारानी लक्ष्मीबाई को। हाँ, ये बात बेहद नहीं कहा तक लागू है। तो अच्छी बात है। विदेह न नारी हृदय गति जानी। विधि किसको कहा जाता है? विधाता को। विधाता कौन है भाग्य बनाने वाला? है कौन है? अरे जब विधाता ने भी नारी की हृदय का गति नहीं जान पाई, तो मनुष्य बिचारे किस कोटि में है? और है 2018 से नया संवत्सर शुरू होगा। देख लेना, एक दो साल पहले शुरू हो जाए तब क्या करेंगे? हैं? एप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं। हाँ, फिर? लॉर्ड ड्रामा जो है, लॉर्ड ड्रामा का जो कलयुग है, लॉर्ड ड्रामा का जो कलयुग का समय है, वो अगर 1250 साल हम पीछे जाएंगे तो करीबन 760 आ जाता है। 760 आ जाता है? हाँ, करीबन। है? करीबन लगभग पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे तो 760 आ जाता है। सात सौ अड़सठ आता है। 2018 में अगर 1250 माइनस करेंगे तो
2018 में क्या कर दें? 1250 वर्ष कम कर दें। हाँ हाँ तो वहाँ से अगर कलयुग लॉर्ड रामा का पकड़ा जाएगा है वहाँ से जो 768 कलयुग लॉर्ड कलयुग का समय गिना जाएगा तो उसमें अगर 600 साल ऐड करेंगे तो करीबन 1300 का समय आता है सन 1300 है और उसी समय लॉर्ड रामा ने जो संत ज्ञानेश्वर और उनके बड़े भाई जो थे निवृत्तिनाथ उन्होंने जो प्राकृत भाषा में यानी संस्कृत की जो गीता थी वो प्राकृत भाषा में लाई उसका आज भी बहुत गायन है तो वो भी बाप दादा का पाठ वो भी रजो प्रधान अवस्था आज के व्यापार का समय है? अरे क्या खर तेल निकला है? संत ज्ञानेश्वर किसका पाठ बता रहे है? बाबा से क्यों पूछ रहे? बाबा तो बता दिया जितने भी बड़े बड़े आते हैं जिनका दुनिया में नामाचार ज्यादा हो जाता है वो नई आत्माएं ऊपर से उतरती है तो वो कलयुगी आत्माएं हैं द्वापर युगी आत्माएं हैं रजो प्रधान और तमो प्रधान आत्माएं हैं या सतयुगी देव देवी वर्ण की आत्माएं हैं तमो प्रधान आत्माएं हैं उनके बारे में हम क्यों चिंतन करें? दुनिया का कोई कल्याण तो हुआ नहीं उनके आने से। कल्याण हुआ? ऐसी 108 से ऊपर टीकाएं लिखी गई गीता की। कोई भी गीता की टीका से कल्याण हुआ? एक गीता की टीका दूसरी गीता को खंडन करती है तो झगड़ा ही झगड़ा बढ़ता चला गया। न पूरा खंडन हुआ और न पूरा मंडन हुआ। न नई दुनिया बनी न पुरानी दुनिया का विनाश हुआ। बाप तो आकर के ऐसी गीता सुनाते हैं जो सब गीताओं का खंडन हो जाता है सब वेद शास्त्रों का खंडन हो जाता है और नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। और बाबा क्या सत्संग बोला है बोला हूँ मैं सत्संग में इतनी रौनक तो नहीं होती अपने एडवांस के पार्टी के जो संगठन होते हैं उन संगठन में बहुत रौनक तो आती है। फाइनल पेपर होगा तब रौनक देखना। ऐसे तो रौनक अभी भी देखते रहते हैं। और बाबा हाँ जी शास्त्रों में वृतांत आता है कि पहले पहले आदि शक्ति थी जिसको तीसरा नेत्र था। थोड़ा और जोर से बोलो बैठे रहो। आदि शक्ति थी जिसको तीसरा नेत्र था आदि शक्ति पहले
एक आदि शक्ति थी। हाँ जी। जिसको तीसरा नेत्र था। हाँ जी हाँ जी। वो पहले पहले ब्रह्मा की रचना की। हाँ। उसके अंदर काम भाव आ जाए तो उसको बोली कि भाई हमसे शादी करो। तो वो बोले तुम तो हमारी जन्मी हो, हम तुमसे कैसे शादी करेंगे। तो उसको भस्म कर दिया उसने। किसने भस्म कर दिया? है आदि शक्ति ने भस्म कर दिया। है हाँ, तो आदि यज्ञ के आदि में ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों थे कि नहीं थे? तीनों थे ना। है उनमें से शंकर भी भस्म हो गया और विष्णु भी भस्म हो गया। हाँ, फिर आगे बाबा तीसरे नंबर तो शंकर को उसने उत्पन्न किया। है शंकर को उत्पन्न किया लेकिन शंकर थोड़ा चतुर है तो उन्होंने बोला भाई हम तुमसे विवाह करेंगे, तुमसे शादी करेंगे लेकिन मेरी एक शर्त है, आपका तीसरा नेत्र हमको दे दो और ये दोनों जो भस्म हुए उनको जीवित कर दो। तो उसने वैसा किया और वो तीसरा नेत्र उसके ऊपर प्रयोग कर दिया तो उसके तीन देवियों का निर्माण हुआ। वो आदि शक्ति से तीन देवियां हमारे तीन देवियां का निर्माण हो गया। तीन देवियों की रचना होगी आदि शक्ति। हाँ, तो तीन देवताओं के साथ वो मतलब वेद का क्या अर्थ है? वेद का अर्थ तुम्हारे बताए हुए को हम वेद का अर्थ पकड़े या बाबा जो शास्त्रों की बात सुनाते हैं उनमें से वेद का अर्थ उठाए? है बाबा तो कहते हैं शास्त्रों में भूसा भरा पड़ा है भाई। एक जिज्ञासु मतलब बातचीत हो रही थी ज्ञान की तो उसने एक बात पूछी थी। शास्त्रों की हर बात को टैली नहीं किया जा सकता और टैली करेंगे तो बुद्धि भटक जाएगी या स्थिर हो जाएगी? भटक जाएगी। इसलिए बाबा ने शास्त्रों का जो सार बताया है, जो शास्त्रों में से चुन चुन करके सार निकाला है, उन सार की बातों पर हम विश्वास करें और मनन चिंतन मंथन करें। नहीं तो शास्त्रों में तो ऐसे है जो ब्रह्मा के पुजारी हुए हैं, ब्रह्म समाजी, उन्होंने ब्रह्मा को ही भगवान साबित कर दिया। जो विष्णु के पुजारी हुए हैं उन्होंने विष्णु को ही भगवान साबित कर दिया। शंकर और ब्रह्मा को नीचा दिखाई दिया। जो शंकर के पुजारी हुए उन्होंने विष्णु और ब्रह्मा को नीचे दिखाई दिया। शास्त्रों में तो अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग चलता रहा। कौन से शास्त्र की बात को सच्चा मानेंगे? और अब मुरली कब तक चलेगी? ब्रह्मा बाबा कब तक आवेंगे? अरे चंद्रमा तब तक आवेगा जब तक सूर्य उदय नहीं होगा। और मुरली का लक्ष्य क्या है? मुरली अर्थात ज्ञान मुरली। ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ज्ञान से क्या होती है? सदगति होती है। तो सदगति हो गई है? सदगति जब तक नहीं हुई है तो जब तक देहभान में जीते हैं माना दुर्गति है। जब तक जीना है तब तक पीना है। कोई कहे कि हमने देहभान त्याग दिया तो मुरली सुनने की भी दरकार नहीं, फिर तो खुद ही मुरलीधर बन जाएगा। किसी दूसरे से ज्ञान क्यों सुने?
बाप समान बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। बाबा है मुरली टेढ़ी में जादू कहा जाता है, है? फिर कन्या माता की मुंह से ज्ञान अच्छा लगता है कैसे बाबा? कन्या माता की मुंह से ज्ञान सुनना अच्छा है, है? ऐसे क्यों कहा जाता है? हाँ, क्योंकि कन्या माताएं जो है प्योरिटी ज्यादा धारण कर सकती है, पुरुष ज्यादा प्योरिटी को धारण नहीं कर सकते हैं। है मुरली शिव बाबा की है, लेकिन कौन से हाथों के द्वारा बंटवानी चाहिए? बांटने का काम कौन करे? कन्या माताओं के द्वारा बांटने का काम किया जाएगा तो उसका असर ज्यादा पड़ेगा। जो धारणावान है वो खुद धारण करके दूसरों को सुनाएगा तो ज्यादा असर पड़ेगा, या जो स्वयं धारणावान नहीं है और दूसरों को ज्ञान सुनाएगा तो असर पड़ेगा? नई दुनिया बनेगी नहीं बनेगी? जादू कैसे बोला गया है? बोली तेरी में जादू कैसा बोला गया? तेरी में जादू ये समझ का, ईश्वरीय जो मुरली है वो बुद्धि को घुमाई देती है। बीके से पीबी के बना देती है, शूद्र से ब्राह्मण बनाई देती है। ये जादू है। और कोई दुनिया में ऐसा जादू नहीं कर सका। कि दुनिया भी भक्तों को मोड़ करके ऐसा ब्राह्मण बनाया हो और ब्राह्मणों की बुद्धि को मोड़ करके ऐसा एडवांस ब्राह्मण बनाया हो। जिस पे जादू लग जाता है वो फिर किसी की बात नहीं सुनता। बीके में भी जादू लगा तो दुनिया कहने लगी ये जादूगर आया है। एडवांस में भी जादू लगा तो ब्रह्मा कुमारियां कहने लगी जादू करता है। शूद्र से ब्राह्मण बने तो दुनिया वालों की ताकत नहीं जो उन ब्राह्मणों को कन्वर्ट करके अपने में मिक्स कर सके। और ब्राह्मणों को जब एडवांस बनाया गया तो कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी की ताकत नहीं जो एडवांस ब्राह्मणों को बेसिक ब्राह्मण बना सके। कहाँ वो एडवांस बने? वो एडवांस बाप को पहचाना है? उन्होंने पहचाना ही नहीं। और जो एडवांस में पक्के होकर के जाते हैं बीके वाले उनको समाय सकते हैं अपने अंदर है? उनमें समाने की ताकत ही नहीं है, पचाए नहीं सकते, वो पेट फाड़ करके बाहर निकल आएंगे। ये बाप के बिच्छू टंडन बच्चे हैं। एडवांस बच्चों को देख के बीके वाले डरते क्यों हैं? इसीलिए डरते हैं कि हमको भी जादू लगाए देंगे। तो
हमको कहीं जादू लग गया तो हमको भी ढीली ढीली खिचड़ी खानी पड़ेगी, लबड़ झबड़ कपड़े पहनने पड़ेंगे, सादा मकान में रहना पड़ेगा, झोपड़ी खोपड़ी में, मान मर्तबा सारा छोड़ना पड़ेगा। अभी तो हम आराम से पूजा ले रहे हैं, माताओं से बर्तन मलवाते हैं, अपने कपड़े धुलवाते हैं, हाँ ज्ञान से टूटे है, ज्ञान से टूटे एक आदमी बोलो जो अपने ज्ञान से टूटे है, रिटर्न आएंगे ना, हट्टी एक ही है, जावेंगे कहाँ, ये किसने बोला, ये ब्रह्मम वाक्यम नहीं है, पत्थर की लकीरें हैं, जो एक बार बाप के बन गए अंजाम कर लिया वो भले छोड़ के चले जाएं, बाप उनको छोड़ने वाला नहीं है, साथ लेकर के जावेगा। मतलब वो आएंगे तभी, मतलब वो 2.25 लाख में गिने जाएंगे जी, एडवांस के जो 2.25 लाख टोटल उसमें गिने जाएंगे, अब पद तो नीचा हो ही जाएगा जब लौट के आएंगे, तो जो जाते हैं वापस वो महिमा करते हैं या ग्लानी करते हैं, तो उसका फल नहीं पाएंगे। और बाबा जी भाई उनको वापस लाने के लिए सहज पुरुषार्थ किया, मनसा सेवा से क्या नहीं हो सकता है, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। बल्कि वो लोग भी मायावती इतने गहरावे में है कि उनको बाहर खींचना है, वो हमको खींचते जाते हैं है? वो माया के गहरावे में इतने है कि वो हमारे हमको वो साइड में खींचते हैं। तो आप माया के गहरावे में आ गए होंगे इसलिए आपको खींच लेते हैं। फिर याद की यात्रा से फिर वापस हम बैक हो जाते हैं जहाँ पे थे, वही याद की यात्रा में रह के हम जहाँ पे थे वहीं पे आ जाते हैं, अपने रास्ते पे ही सही रास्ते पे आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी वो डाइवर्शन के लिए खींचते हैं, जैसे हम लोग यानी फाइटिंग ऐसा होता है कि हम लोग उनको बोलते हैं कि आप आओ, वो भी आओ क्यों, आने से कोई है, कहने से थोड़े ही आ जाता है, उनको प्रूफ और प्रमाण ऐसे देने पड़े। पहले हम माहौल बनाएंगे अपना ऐसा, हमारा संगठन जब मजबूत बनेगा, पांडवों का किला मजबूत बनेगा, तो उनको झुकना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र वाले तो शिवाजी के बड़े पक्षधर हैं, औरंगजेब जैसे सम्राट को भी झुकाई देते हैं, किला मजबूत चाहिए। बाबा महाराष्ट्र में जितने भी किले हैं ना उसके ऊपर शंकर का मंदिर है। हाँ जी हाँ, और एक किले पे ऐसा है ना उसके ऊपर छत ही नहीं है, वो मतलब एक शंकर का मंदिर है ना, लेकिन उसका जो मतलब लिंग है ना बहुत सुरेख है, वो तो अच्छा है, मतलब वो सबसे ज्यादा अच्छा दिखता है, उसके ऊपर छत नहीं लेकिन वो मंदिर के ऊपर, एक किले के ऊपर ऐसा मंदिर है, उसमें क्या बड़ी बात है, शंकर के मंदिर भी होते हैं और बहुत जगह जैसे हनुमान को बिना मंदिर के दिखाई दिया जाता है सड़क के ऊपर खड़ा हुआ, ऐसे शंकर को भी बिना छतरी के नीचे दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर ही है, मतलब जो भी मंदिर है ना शंकर के, जिले के सबसे टॉप पे
वो तो यादगार है कि संगठन साथ देगा तो ठीक है, नहीं साथ देगा तो गिर पड़ेंगे क्या है? अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे क्या? तो भी अनिश्चय बुद्धि होने वाली शख्सियत नहीं है। और बाबा आठ नौ मंडल बाप को कहेंगे कि स्वर्ग का संगठन को कहेंगे हैं? दिलवाड़ा मंडल का जो संगठन रहा ना आठवां मंडल, आठवां मंडल दिलवाड़ा मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर जड़ मंदिर, चैतन्य मंदिर जब बनेगा तो वो तो स्वर्ग होगा, तपस्या भूमि को थोड़े ही कहेंगे। नहीं, जमुना के कंठे पर होगा। और स्वर्ग बाप को कहेंगे, है स्वर्ग बाप को कहेंगे कि संगठन को कहेंगे? संगठन तो दिलवाड़ा मंदिर में बनेगा, चैतन्य में, माउंट आबू में भी संगठन बनेगा, फिर जो कच्चे कच्चे होंगे वो उनको बाहर की दुनिया में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? है, जाना पड़ेगा। तो असली संगठन तो है स्वर्ग। हेवनली गॉडफादर का आठवां बंडर है। वो तपस्या की स्टेज नहीं है, तपस्या की संपूर्ण स्टेज है। बाबा शादी में जो है कि बांस का जो मंडप बनाते हैं तो उसका बेहद क्या लगाते हैं, नरगट नहीं लगाते हैं, है नरगट नहीं लगाते, क्या नहीं लगाते? नरगट, नरगट, नरगट क्या है? तो अपनी अपनी परंपराएं अलग अलग हैं, कहीं कोई परंपराएं, कहीं कोई परंपराएं। वो भक्ति मार्ग की परंपराएं हैं, उसमें उन्होंने वो मंडप दिखाई दिए है, मंदिर में गुंबद बनाते हैं वो मंडप बनाई दिया है, शिव का गुंबद अलग होता है, लक्ष्मी नारायण का मंडप अलग होता है, कृष्णपुरी का है वो, है स्वर्ग को कृष्णपुरी भी का, हाँ कृष्णपुरी कैसा नाम पड़ेगा? क्योंकि कृष्ण वाली आत्मा ही तो अव्वल नंबर में पुरुषार्थी है। बाप आगे रहता है कि बच्चे को आगे करता है? बच्चे को आगे करता है, इसलिए कृष्णपुरी का गायन है। और राम बाप के संदर्भ में तमेव माता पिता तमेव का सेवन निराकार ज्योति बिंदु श्री बाप के प्रति अपील करने हैं। प्रजापिता राम बाप के संदर्भ में, हाँ तमेव माता पिता तमेव का संबंध निराकार
विधिविंद जी बाप के प्रति अपने ही तन में है। अरे संबंध शब्द ही जाहिर करता है संपूर्ण बंधन। संबंध निराकार में होते हैं या साकार में होते हैं? संबंध तो साकार में ही होते हैं। निराकार में अगर संबंध कहा भी जाए तो वो तो सिर्फ एक ही संबंध है। हम आत्माएं बच्चे बच्चियां भी नहीं और आत्माओं का बाप बाप, बाप और बच्चे ये निराकार का संबंध है, दूसरा कोई संबंध नहीं होता। जब वो निराकार बाप साकार में आते हैं तब सर्व संबंध जोड़ते हैं बच्चों के साथ। तो अनेक प्रकार के संबंध साकार में बनते हैं। जो तमेव माता च पिता तमेव जो गायन है वो भी प्रैक्टिकल का गायन है। वो माता भी बनता है तो पिता भी है। सारी सृष्टि की माता भी है, उसे जगदम्बा कहा जाता है। बाप पूज्य है तो माता भी पूज्य है, लेकिन ब्रह्मा के रूप में पूज्य नहीं है दाढ़ी मूछ वाले, वो ही ब्रह्मा जब स्त्री चोले में प्रवेश करके पाठ बजाता है तब पूज्य बनता है। तब कहा जाता है तुमेव माता च पिता तुमेव। निराकार में नहीं कहा जा सकता माता पिता। माता स्त्री चोले को कहा जाता है, पिता पुरुष चोले को कहा जाता है। हाँ जी कोई कुछ बोल रहा था बाबा। प्रजा पिता के लिए साकार में पिता का साकार माध्यम कौन सा? स्वयं ही रूप वही है, किसी को कुछ भी कहेंगे ना, तुम्हें पिता तुम्हें माता पिता। तम जहाँ कहा जाता है वो एक शिव के लिए कहा जाता है। वो एक शिव प्रजापिता में प्रवेश करता है तब प्रत्यक्ष होता है। वो एक व्यापी बनकर के बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है। फिर वो एक व्यापी जिसे शिव बाबा कहा जाता है वो औरों औरों में भी प्रवेश करता है। उनमें पहला नंबर आता है माता का। इसलिए जगत माता को भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वो दिल और दिमाग में प्रवेश करता है। दिल और दिमाग से माता अपने संबंध को भूल नहीं सकती।
बच्चों में भी नंबर वार प्रवेश करता है। बच्चों के दिल और दिमाग में भी छा जाता है। नहीं तो ज्योति बिंदु शिव बाप वो कोई सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी होकर के ही संसार में प्रत्यक्ष होता है। जिसमें प्रवेश होता है उसे रुद्र कहा जाता है, रौद्र रूप धारण करने वाला, इसलिए रुद्रमाला गाई हुई है। शिवमाला नहीं गाई हुई है, शिव की माला होती नहीं। रुद्र की माला होती है। उन रुद्रमाला के मणकों में रुद्र ही प्रवेश करता है। भले वो बाहर है ज्योतिर्लिंगम क्यों न हो, ऐसे नहीं कि शिव कोई बाहर है ज्योतिर्लिंगम में व्यापक हो जाता है। वो तो एक व्यापी बनकर के ही संसार में प्रत्यक्ष होता है। और ओम शांति।